हेलो एवरीवन मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन जहां आपको मिलता है 100 परसेंट एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडर गार्डन टू ट्वेल्थ क्लास तो आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज ठीक है हम देखने वाले हैं आज कुछ और इलस्ट्रेशन जो कौन से आपके रेशो पे बेस्ड होने वाले हैं आप लोगों ने अभी तक सॉल्वेंसी रेशियोज में क्या क्या देख लिया डेट इक्विटी रेशियो देख लिया टोटल असेट्स टू डेट रेशियो देख लिया अब आप थर्ड नंबर का रेशियो देखने जाओगे जो है प्रो, प्रोपराइटरी रेशियो ठीक है तो प्रोपराइटरी रेशियो प्रोपराइटर्स प्रोपराइटर कौन होते हैं ओनर ठीक है तो क्लियरली कंपनी के ओनर्स कौन हो जाएंगे शेयर होल्डर्स तो यहां पर आपको क्या निकालना है शेयर होल्डर्स फंडराइटर्स फंड या इक्विटी एक ही बात है ठीक है समझ में आ रहा है तो इक्विटी को ही आप प्रोपराइटर्स फंडराइटरी फंड बोलते हो या शेयर होल्डर्स फंड को ही आप प्रोपराइटरी फंड बोलते हो ठीक है तीनों एक ही सेम चीज है डिवाइडेड बाय क्या करना है टोटल एसेट्स ठीक है तो बैलेंस शीट में साइड का टोटल डिनोमिनेटर हो जाएगा और न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा आपका शेयर या इक्विटी proprietor, तो तो 57, 56 तक हो गया था 57 पर आगे बढ़ रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो तो प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है ठीक है तो प्रोप्राइटरी मैं शॉर्ट में लिख रही हूं प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स ठीक है तो यहां पर शेयर होल्डर्स फंड क्या क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल फाइव लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ठीक है तो बिल्कुल दोनों का टोटल आपका शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा फाइव लाख प्लस थ्री लाख डिवाइडेड बाय नॉन करेंट असेट्स क्या हो जाएगा आपका 22 लाख और करेंट असेट्स कितना है 10 लाख तो क्लियरली टोटल क्या होता है नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स तो ये कितना हो जाएगा 22 लाख प्लस 10 लाख टोटल असेट्स हो जाएगा तो आपको शेयर होल्डर्स फंड्स भी मिल गया टोटल असेट्स भी मिल गया आप सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा एट लाख डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा थर्टी टू ठीक है तो एट लाख डिवाइडेड बाय थर्टी टू लैख कितना हो जाएगा आपका पॉइंट टू फाइव स्टू वन आपका आंसर क्या आ जाएगा पॉइंट टू फाइव स्टू वन क्लियर हो गया देखो यही आ रहा है यहां पर गलत दिया हुआ है ट्वेंटी लाख ,00 आपकी बुक में गलत दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा एट लाख डिवाइडेड बाय थर्टी टू ठीक है उसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 परसेंट हो जाएगा वरना उसको आप पॉइंट टू फाइव इस टू वन इस तरह से दिखा सकते हो क्लियर हो गया इलेस्ट्रेशन 57 सिंपल था चलो इलेस्ट्रेशन 58 पर आगे बढ़ रहे हैं अब हमें ये सारी जानकारी दी गई है हमें क्या निकालना है यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो तो अगेन प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है शेयर होल्डर्स फंड्स या प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स तो भाई अब यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आ जाएगा ध्यान से देखो इक्विटी शेयर कैपिटल यस आएगा प्रिफरेंस शेयर कैपिटल यस ये भी इक्विटी का ही पार्ट होता है ये भी आएगा ठीक है ये भी आपके ओनर्स ही होते हैं एक तरीके से रिजर्व इन सरप्लस ठीक है ये भी आ जाएगा इसके अलावा नॉन करेंट लाइबिलिटीज डिबेंचर्स करेंट लाइबिलिटीज ये सब नहीं आएगा नॉन करेंट असेट्स में क्या क्या है फिक्स असेट्स करेंट असेट्स में क्या क्या है करेंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्वलेंट्स एंड अदर करंट असेट्स तो क्लियरली यहाँ पर ये तीनों मिलाकर आपका क्या हो जाएगा न्यूमरेटर दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स ठीक है और ये सारे असेट्स नॉन करेंट प्लस करेंट असेट सारे मिला के टोटल टू लाख फिफ्टी थाउजेंड यह क्या हो जाएगा आपका टोटल असेट्स तो क्लियरली आपका क्या निकल जाएगा प्रोपराइटरी रेशियो तो अगर मैं पे डायरेक्टली लिख दूँ टोटल कितना हो गया शेयर होल्डर्स फंड वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड वन लाख प्लस फिफ्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड हो गया डिवाइडेड बाय मैं सारे एसेट्स का टोटल कर दूं फिक्स एसेट्स वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करेंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्वलेंट अदर करंट एसेट सबका टोटल मिला के कितना है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड तो क्लियरली मेरा आंसर क्या आ जाएगा वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू लाख फिफ्टी थाउजेंड दैट इज पॉइंट सेवन एस टू वन तो यहाँ पर हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाएगा पॉइंट सेवन एस टू वन देखो यही आंसर है बहुत सिंपल था ठीक है तो प्रोप्राइटरी रेशो समझ में आ रहा है ये भी बहुत ईजी है इसमें भी अलग अलग अप्रोच होती है लाइबिलिटी साइड अप्रोच होती है एसेट साइड अप्रोच होती है ठीक है ये हम क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे चलो क्वेश्चन नंबर 59 नाइन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉमेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल असेट्स टू डेट रेशियो अब यहाँ पर बेसिकली आपको अभी तक जितने भी सॉल्वेंसी रेशियो आपने सीख लिए हैं वो इस एक क्वेश्चन में सारे आपके रिवाइज होने वाले हैं ठीक है यहाँ पर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो भी निकालना है प्रोपराइटरी रेशो भी निकालना है टोटल अट्स टू डेट रेशो भी निकालना है चलो तो डेट टू इक्विटी रेशो यहां पर क्या हो जाएगा डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है डेट अपॉन इक्विटी ठीक है तो अभी हम सोल्यूशन नहीं देख रहे हम अपने अपने दिमाग से करेंगे चलो तो डेट डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स तो क्या क्या आ जाएगा यहां पर लॉन्ग टर्म डेट्स के हिसाब से 16 लाख 12 डिबेंचर्स ये आ जाएगा आपका तो डेट सिर्फ आपकी यही है 16 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी क्या क्या होगा इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा टेन परसेंट प्रिफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व भी आएगा एंड सरप्लस दैट इज़ बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा और यहाँ से कुछ और बचाए नहीं ठीक है तो इन सब का टोटल आपका इक्विटी होगा ठीक है तो ये कितना हो गया ये टोटल हो गया फाइव लाख सेवन लाख एट लाख फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड या नाइन लाख तो टोटल कितना हो गया इक्विटी नाइन लाख ठीक है तो सिक्सटीन लाख डेट है डिवाइडेड बाय नाइन लाख इक्विटी है तो कितना हो गया आपका रेशो वन पॉइंट सेवन सेवन एस टू वन या वन पॉइंट सेवन एट इस टू वन ये भी लिख सकते हो आप ठीक है तो डेट टू इक्विटी रेशो देखो यही आ रहा है सिक्सटीन लाख डिवाइडेड बाय नाइन लाख वन पॉइंट सेवन एट इस टू वन समझ में आ गया अब प्रोपराइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है भाई अभी हमने देखा टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स ठीक है तो शेयर होल्डर्स फंड देखो हमने इक्विटी ऑलरेडी निकाल लिया है कितना था नाइन लाख ,00 इन सब का टोटल नाइन लाख ,00 हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स देखो कितने हो जाएंगे यहाँ पर तो टोटल असेट्स हो जाएंगे आपके फिक्स असेट्स टेंजिबल ट्वेंटी वन ,00 लाख ठीक है और क्या आ रहा है असेट्स में आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ये भी आएगा टू लाख प्लस करेंट असेट्स एट लाख एटी थाउजेंड तो ट्वेंटी वन लाख प्लस टू लाख प्लस एट लाख एटी थाउजेंड टोटल कितना हो गया

रेशियो में ही आंसर है क्या करना है टोटल असेट्स टू डेट मतलब टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेट अब देखो लकीली इन दो फॉर्मूलेज के थ्रू हम टोटल असेट्स भी निकाल चुके हैं कितने थे थर्टी वन लाख एटी थाउजेंड और डेट इक्विटी रेशियो में हमने डेट भी निकाल ली थी कितनी थी सिक्सटीन लाख ,00 तो बस पुट कर दो टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेट तो थर्टी वन लाख एटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्सटीन लाख कितना हो गया ये आपका वन पॉइंट नाइन नाइन भी लिख सकते हो इस टू वन ठीक है तो यहां पर वन पॉइंट नाइन नाइन एस टू वन हो जाएगा थर्टी वन लाख एटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्सटीन लाख क्लियर हो गया तो कितना सिंपल था आपने एक ही क्वेश्चन में डेट टू इक्विटी रेशियो भी निकाल लिया प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकाल लिया और टोटल असेट टू डेट रेशो भी निकाल लिया यहां तक क्लियर है कोई डाउट हो तो पूछ लो आगे बढ़ते हैं अगले इलेस्ट्रेशन पे इलेस्ट्रेशन सिक्सटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो डेट टू इक्विटी रेशो एंड टोटल असेट्स टू डेट रेशियो तो यहाँ पर भी आपको तीनों ही रेशियोज निकालने हैं ठीक है क्या क्या जानकारी दी गई है देखो ध्यान से नॉन करेंट असेट्स करेंट असेट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स एंड करेंट लाइबिलिटीज ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए देखो ध्यान से प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें चाहिए इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स ठीक है इसको हम शेयर होल्डर्स फंड लिख लेते हैं ज्यादा ईजी रहेगा आपके लिए शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स ठीक है डेट टू तो इक्विटी के रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल असेट टू तो डेट रेशियो के लिए क्या चाहिए टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेट तो यहाँ पर हमें बेसिकली इन तीनों फॉर्मूले के फॉर्मूले को देखो क्या क्या चाहिए शेयर होल्डर फंड चाहिए डेट चाहिए और टोटल असेट्स चाहिए तीन चीज़ें चाहिए ठीक है ये तीन चीज़ें अगर निकल गई तो ये तीनों फॉर्मूले आपके यहाँ पर तीनों फॉर्मूले में आपकी वैल्यूज पुट हो जाएंगी तीनों रेशियोज कैलकुलेट हो जाएंगे चलो तो टोटल असेट्स निकाल लेते हैं बड़ा ईजी है नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स का टोटल ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल असेट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर्टी लाख नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स अभी हम सल्यूशन नहीं देख रहे हैं अभी हम अपने लेवल पर सॉल्व कर रहे हैं फिर सल्यूशन से हम वेरीफाई करेंगे ठीक है लॉन्ग टर्म बोरइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इनका टोटल अगर आप कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा डेट मिल जाएगा तो डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरइंग्स पच्चीस लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स पंद्रह लाख अब आपको क्या चाहिए अब आपको चाहिए यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स ठीक है तो शेयर होल्डर्स फंड्स यहाँ पर अब आपको लाइबिलिटी साइड की और चीज़ें नहीं पता तो आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो बड़ा सिंपल है देखो एक बैलेंस शीट को इमेजिन करो बैलेंस शीट में आपको ये पता चल गया है कि असेट साइड का टोटल कितना है अस्सी लाख ठीक है आपको लाइबिलिटी साइड के आइटम्स निकालने हैं दैट इज शेयर कैपिटल कितना है रिजर्व कितना है सरप्लस कितना है ठीक है तो उन तीनों का टोटल आपका क्या आता है शेयर होल्डर्स फंड्स के बराबर आता है तो अगर आप टोटल असेट्स में से ठीक है टोटल असेट्स इज इक्वल टू तो टोटल लाइबिलिटीज हो जाएगा दैट इज़ 80 लाख ही हो जाएगा तो अगर टोटल असेट्स की जो वैल्यू 80 लाख जो आपके टोटल लाइबिलिटी के बराबर है उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे यहाँ पर क्या क्या जो भी आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिए हुए हैं या लॉन्ग टर्म डेट्स दी हुई हैं बोरोइंग दी हुई है और करेंट लाइबिलिटीज़ िटी साइड के जितने भी आइटम दिए हैं ठीक है जो शेयर होल्डर फंड में नहीं आते हैं वो जब आप माइनस कर दोगे तो ये पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स फंड आपको मिल जाएगा समझ में आ रहा है तो क्लियरली यहां पर इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालोगे टोटल असेट्स 80 लाख माइनस लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम्स क्या क्या हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पच्चीस लाख माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पंद्रह लाख माइनस करेंट लाइबिलिटीज ट्वेंटी लाख जब आप ये करोगे तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स समझ में आ गया चलो तो अब बस सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर डेट देखो हमारी कितनी आ गई ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन ये हो जाएगा आपका फोर्टी लाख और शेयर होल्डर्स फंड आपके कितने आ जाएंगे 80 लाख ,00 में से माइनस करो 25 लाख माइनस 15 लाख माइनस 20 लाख तो ये आ जाएगा 20 लाख तो बस तीनों चीजें निकल गई अब फॉर्मूले में पुट कर लो तो शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, शेयर होल्डर फंड कितने आ गए 20 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितने आ गए थे 80 लाख ठीक है तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख ,00 कितना आ जाएगा आपका 0.25:1 ठीक है फिर डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या निकालना है आपको डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड या डेट अपॉन इक्विटी तो डेट कितनी आई थी 40 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी कितनी आई आपकी 20 लाख ,00 तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 ठीक है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में टोटल एसेट्स कितने आए एट्टी लाख डिवाइडेड बाय डेट कितनी आई फोर्टी लाख तो ये रेशियो कितना हो जाएगा आपका टू इस टू वन ठीक है क्लियर हो गया तो यहां पर देख लेते हैं सोल्यूशन यहां पर हमारा प्रोप्राइटरी रेशो आ रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट या पॉइंट टू फाइव इस टू वन ठीक है एक ही बात है ट्वेंटी लाख डिवाइडेड बाई एट्टी लाख डेट टू इक्विटी रेशियो कितना आ रहा है आपका फोर्टी लाख डिवाइडेड बाई ट्वेंटी लाख टू इस टू वन देखो यही आ रहा है एंड टोटल एसेट्स टू डेट स्टूडेंट आपका आ रहा है एटी लाख डिवाइडेड बाई फोर्टी लाख दैट इज टू इज टू वन और ये सारी चीज़ें जो हमने की हैं इसको प्रॉपरली आपको वर्किंग नोट्स में दिखाना है इस तरह से सारे कैलकुलेशन को समझ में आ गया और उसको फिर आपको फॉर्मूले में पुट करके रेशियोज कैलकुलेट करना है तो क्लियर हो गया आपका इलेस्ट्रेशन सिक्सटी बहुत सिंपल था ये भी चलो इलेस्ट्रेशन सिक्सटी वन पर आगे बढ़ते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट तो यहाँ पर भी अगेन आपको प्रोप्राइटरी रेशियो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो तीनों निकाल लें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो टोटल डेट्स दी हुई है करेंट असेट्स दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है मतलब डेट प्लस इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना कैपिटल आपने बोरो किया है लोगों से शेयर होल्डर्स से या जिनसे आपने लोन वगैरह लिया है ऐसा कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है तो डेट प्लस इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा वर्किंग कैपिटल ये सारी चीजें दे दी अब हमें क्या क्या चाहिए प्रोप्राइटरी रेशियो टोटल असेट टू डेट रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो चलो तो अगेन हम यहां पर लिखते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है टोटल असेट्स अपॉन डेट डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है डेट अपॉन इक्विटी ठीक है अब यहां पर देखो जो आपको दी गई जानकारी है उसमें से आपको ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है क्लियर हो गया इतना ठीक है तो यहां पर एक चीज ध्यान से देखो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लाइबिलिटीज को जोड़ देते हैं तो हमारी टोटल लाइबिलिटीज आ जाएगी ठीक है दिमाग लगाओ बिल्कुल गी? वैसी वाली फीलिंग देता है मुझे जैसे हम एक्स न्यूज पेपर में वो सुडोकू नहीं करते थे सॉल्व बिल्कुल वैसी फीलिंग देता है कि यहाँ पे कुछ कुछ फिगर्स पता है और बाकी आपको दिमाग लगा के रास्ता निकालना है कि आपको कैसे इन चीज़ों पे अराइव करना है ठीक है तो बैलेंस शीट को इमेजिन करोगे दिमाग में तो अपने आप अप चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी यहाँ पर आपको टोटल डेट्स दी है करेंट असेट्स दिया है वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है करंट असेट्स माइनस करेंट लाइब्रिटीज तो अगर आप इस फॉर्मूले में पुट कर लोगे तो आपको करंट लाइब्रेटीज की वैल्यू मिल जाएगी चलो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज ठीक है करेंट असेट्स हमें दिए हुए हैं पाँच लाख माइनस करेंट लाइबिलिटीज हमें निकालना है और वर्किंग कैपिटल हमें दिया है एक लाख तो क्लियरली करेंट लाइबिलिटीज यहाँ चली जाएगी तो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फाइव लाख माइनस वन लाख दैट इज फोर लाख तो करेंट लाइबिलिटीज में मिल गई आपको फोर लाख ठीक है अब देखो आपको यहाँ पर टोटल डेट्स दिए हुए ठीक है तो अगर टोटल उधारियों में से आप करेंट उधारियां करेंट लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपकी क्या हो जाएंगी आपकी लॉन्ग टर्म उधारियां मिल जाएंगी जो आपकी बराबर किसके होती है डेट के समझ में आ गया तो 12 लाख अगर टोटल डेट्स हैं उसमें से आप करेंट लाइब्रिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपको डेट मिल जाएगा तो मैं यहां पर लिख लेती हूँ डेट इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज तो टोटल डेट्स कितनी है बारह लाख बारह लाख में से करेंट लाइबिलिटीज माइनस कर दी चार लाख तो आपके डेट कितनी बची आठ लाख तो लॉन्ग टर्म डेट्स आपकी आ गई आठ लाख समझ में आ गया इतना क्लियर हो गया तो यहां पर हम डेट की जगह लिख देते हैं आठ लाख और यहां पर भी हमें डेट चाहिए थी आठ लाख आगे ठीक है तो जहां जहां जिस जिस जगह भी डेट आ रहा है आठ लाख मिल गया अब हम क्या निकाल सकते हैं और जरा ध्यान से देखते हैं यहां पर अगर आप ध्यान दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस डेट ठीक है प्लस वर्किंग क्या प्लस करेंट लाइबिलिटीज करो या अगर आप ये करो तो इसका आपका क्या आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज आ जाएगा ठीक है तो यहां पर इक्विटी प्लस डेट इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स आपका टोटल कितना है दस लाख इसमें अगर आप करंट लाइबिलिटीज को भी जोड़ दो करंट दैट इज चार लाख तो आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया कितना फोर्टीन लाख तो अगर मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया तो वही मेरे टोटल असेट्स के बराबर होगा समझ में आ रहा है आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर देखो ध्यान दो यहाँ पर टोटल डेट्स में आपका करेंट लाइब्रिलिटीज भी शामिल है और लॉन्ग टर्म डेट्स भी शामिल है इसलिए आप उसको यहाँ पर नहीं ले सकते ठीक है यहाँ पर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका डेट प्लस इक्विटी जो है ये जो डेट होता है ये लॉन्ग टर्म डेट शामिल है ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं इसमें हमारा क्योंकि हमें डायरेक्टली फिगर दिया है तो भाई हमें इक्विटी पता है इसके अंदर इक्विटी है इसके अंदर हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स भी शामिल है तो फिर हम बचता क्या है हमारी सिर्फ करेंट डेट्स बचती है करेंट लाइबिलिटीज बचती हैं करंट उधारियाँ बचती हैं उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी टोटल लाइबिलिटीज आ जाएंगी जो हमारे टोटल असेट्स के बराबर हो जाएगी समझ में आ गया तो क्लियरली यहाँ पर टोटल असेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल असेट्स इज इक्वल सॉरी टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करेंट लाइबिलिटीज आ रहा है समझ में तो जो टोटल लाइबिलिटी का फॉर्मूला है वही टोटल असेट्स का फॉर्मूला होगा क्योंकि दोनों बराबर होते हैं तो टोटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करेंट लाइबिलिटीज तो कितना हो जाएगा टेन लाख प्लस फोर लाख इज इक्वल टू फोर्टीन लाख चलो तो अब आपको प्रोप्राइटरी रेशियो में देखो क्या मिल गया टोटल असेट्स तो मिल गए फोर्टीन लाख अब आपको इक्विटी और निकालना है ठीक है और यहां पर टोटल असेट टू डेट रेशो में भी टोटल असेट्स मिल गए फोर्टीन लाख चलो तो बस सिर्फ और सिर्फ अब इक्विटी वैल्यू निकालनी है जिस जो आपके बस फॉर्मूले में बची हुई है तीनों में बची हुई है ठीक है इक्विटी कैसे निकालोगे देखो ध्यान से अब अगर आपको यह पता चल गया कि आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स कितनी है देखो आपने निकाली थी लॉन्ग टर्म डेट्स आठ लाख है समझ में आ रहा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कितना दिया हुआ है दस लाख दिया हुआ है मतलब इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट दस लाख के बराबर है जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट आपको पता चल गई है कितनी है आठ लाख ,00 ये आपने टोटल डेट के फॉर्मूले में से निकाल ली टोटल डेट में से करेंट लाइबिलिटी को माइनस कर लिया तो आपका आठ लाख ,00 क्या आ गई लॉन्ग टर्म डेट्स आ गई समझ में आ गया तो ये लॉन्ग टर्म डेट आपकी आ गई आठ लाख और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है दस लाख ,00 तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा इक्विटी तो दस लाख अगर पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से आठ लाख तो आपकी टोटल ये लॉन्ग टर्म डेट ही है तो बचा क्या दो लाख रुपए दो लाख रुपए क्या आ जाएगा इक्विटी समझ में आ गया तो क्लियरली आपका इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स या माइनस डेट्स ठीक है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है दस लाख उसमें से माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स कितना हो जाएगा आठ लाख तो ये कितना हो जाएगा दो लाख ठीक है तो क्लियरली यहाँ पर आपकी इक्विटी भी आपको कितनी मिल गई दो लाख तो यहाँ पर इक्विटी हम रख देंगे शेयर होल्डर्स फंड रख देंगे दो लाख और यहाँ पर भी दो लाख देखो तीनों फॉर्मुलेस की वैल्यू मिल गई इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स तो दो लाख डिवाइडेड बाय फोर्टीन लाख कितना हो गया ये पॉइंट वन फोर टू वन टोटल एसेट टू डेट रेशियो कितना हो गया 14 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख वन पॉइंट सेवन फाइव इस टू वन डेट टू इक्विटी रेशियो 8 बाई टू एट लाख डिवाइडेड बाय 2 ये कितना हो जाएगा फोर इस टू वन तो देखो तीनों रेशोज मिल गए आंसर चेक कर लेते हैं तो प्रोप्राइटरी रेशियो आपका कितना आ रहा है पॉइंट वन फोर इस टू वन या उसका फोर्टीन पॉइंट टू नाइन परसेंट में उन्होंने लिख दिया है टू लाख डिवाइडेड बाय फोर्टीन लाख यही आया है टोटल असेड टू डेट रेशियो 14 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख वन पॉइंट सेवन फाइव इस टू वन यही आया है ठीक है क्लियर एंड डेट टू इक्विटी रेशियो देखो क्या हो रहा है 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख दैट इज़ फोर इस टू वन यही आ रहा है ठीक है तो एक बार जल्दी से इलस्ट्रेशन 61 बिल्कुल ध्यान से देख लो और इसमें कोई भी डाउट हो अभी तक तो पूछ लो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले इलेस्ट्रेशन पे इलस्ट्रेशन सिक्सटी कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ़ टोटल असेट टू डेट रेशियो इज टू इस टू वन डेट हमें दी है टू लाख इक्विटी शेयर कैपिटल बोल रहे हैं पॉइंट फाइव टाइम होगा डेट का प्रिफरेंस शेयर कैपिटल बोला है ट्वेंटी फाइव परसेंट होगा इक्विटी शेयर कैपिटल का एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस फोर लाख एंड रेट ऑफ टैक्सेस थर्टी परसेंट देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है क्या है हमें क्या निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो ठीक है इजी इजी आपको सब कुछ दे दिया तो फिर क्या ही मजा है कैलकुलेट करने का थोड़ा जब घुमा घुमा के देते हैं और आप अपना दिमाग लगाते हो तभी तो मजा आता है तो चलो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स ठीक है भाई अब हमें क्या दिया हुआ है उससे क्या निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं टोटल असेट टू डेट रेशियो हमें दिया है टू इस टू वन ठीक है तो टोटल असेट्स अपॉन डेट हमें कितना दिया हुआ है टू टू वन आ रहा है समझ में तो टोटल असेट्स हमें नहीं पता लेकिन हमें डेट दे दिया गया है कितना टू लाख, समझ में आ रहा है तो क्लियरली आप निकाल सकते हो टोटल असेट्स इज इक्वल टू टू लाख इंटू टू आ रहा है समझ में तो आपको डेट दिया है तो डेट कितना दिया है दो लाख दो लाख को दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल असेट्स आ जाएगा तो टू लाख इंटू टू ये कितना आ जाएगा फोर लाख अब देखो क्लियरली आपको क्या मिल गया शेयर होल्डर्स फंड्स नहीं पता अभी वो निकालेंगे लेकिन टोटल असेट्स मिल गया कितना फोर लाख इतना क्लियर हो गया अब आपको क्या चाहिए शेयर होल्डर्स फंड्स चाहिए तो ध्यान से अब शेयर होल्डर्स फंड्स कैसे निकालोगे आपको क्या बोला गया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ डेट ठीक है तो यहां पर अगर हमारी डेट कितनी दी हुई है टू लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू टू लाख का पॉइंट फाइव टाइम्स ठीक है तो टू लाख इन टू पॉइंट फाइव करो कितना हुआ एक लाख हो गया Dwarf, equity share capital, ,00 indüzik, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका कितना आ गया एक लाख फिर क्या बोल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल का ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है लाख लाख तो का कितना ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ गया अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है रेट ऑफ टैक्स थर्टी परसेंट तो हमारा जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें से जब टैक्स को माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा जिसको इवेंचुअली हम कहाँ पे भेज देते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में भेज देते हैं तो यहाँ पर आप रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस कर लो तो फोर लाख में से हम थर्टी माइनस कर लेते हैं तो फोर लाख टू थर्टी परसेंट कितना एक लाख बीस हजार किया तो उसमें से हमारा बचता तो तो टोटल कर लोगे तो शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा ठीक है तो वन लाख ,00 प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस टू लाख एटी थाउजेंड कितना हो गया फोर लैख फाइव थाउजेंड तो क्लियरली फोर लैख फाइव थाउजेंड आपका क्या हो जाएगा शेयर होल्डर्स असेट्स भी मिल गया शेयर होल्डर्स फंड्राइटरी रेशियो निकाल लो तो फोर लैख फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय फोर लैख कितना आ जाएगा वन पॉइंट जीरो वन टू वन आ रहा है समझ में या इसको आप वन जीरो वन और इसको 101.25 परसेंट भी लिख सकते हो ठीक है तो ये हो गया आपका प्रोपराइटरी रेशियो देखो यही आ रहा है फोर लैख फाइव थाउजेंडिड बाई फोर लैख इज हंड्रेड एंड या वन पॉइंट जीरो इलेस्ट्रेशन सिक्सटी टू बहुत सिंपल था तो टोटल टू डेट रेशियो में आपने वैल्यूज पुट करके टोटल निकाल लिए फिर प्रोप्राइटर्स फंड्स के लिए डेट का पॉइंट फाइव परसेंट इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल का 25 परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया आपका 4 लाख में से 30 परसेंट टैक्स माइनस कर दिया तो टू लाख एट्टी थाउजेंड जो रिमेनिंग आपका सरप्लस बैलेंस था वो आप रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दोगे इवेंचुअली तो आपका टोटल प्रोपराइटर्स फंड आ गया फोर लाख फाइव थाउजेंड यह था आपका इलस्ट्रेशन सिक्सटी टू ठीक है मज़ेदार था चलो एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं प्रोपराइटरी रेशियो से रिलेटेड प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ एम लिमिटेड हमें दी हुई है पॉइंट एटू वन तो यहां पर मान लेते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो रहा है मतलब सपोज अस्सी हजार शेयर होल्डर फंडो का अज्यूम कर रहे हैं तो एक लाख टोटल असेट हो जाएगा तभी आंसर पॉइंट एट इज टू वन आएगा स्टेट विथ रीजन वेदर द दिन ट्रांजेक्शन इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द प्रोप्राइटरी रेशियो अगेन ये वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है

जो हमें पाँच साल बाद चुकाना है इसके कारण क्या चीज़ हो रही है एक तो लोन बढ़ रहा है डेट बढ़ रही है ठीक है और पैसा मिल रहा है तो आपका कैश भी बढ़ रहा है तो क्लियरली यहाँ पर शेयर होल्डर फंड पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आ रहा है समझ में लेकिन टोटल असेट्स पर डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा क्यों क्योंकि डेट बढ़ रहा है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा लेकिन कैश तो बढ़ रहा है ना पैसा मिल रहा है तो कैश या बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है लोन अमाउंट से तो आपका टोटल असेट्स बढ़ जाएगा इवेंचुअली तो क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से दो लाख रुपए से आपका टोटल असेट्स बढ़ जाएगा इसके कारण क्या होगा आपका एटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा थ्री लाख हो जाएगा तो आपका रेशियो और गिर जाएगा दैट इज पॉइंट टू सिक्स हो जाएगा तो इवेंचुअली इसका क्या इफेक्ट होगा डिक्रीज़ तो देखो इफेक्ट ऑन प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाएगा डिक्रीज देर इज़ नो चेंज इन शेयर होल्डर्स फंड बट टोटल असेट्स विल इंक्रीज बाय टू लैख ये हो रहा है टोटल असेट दो लाख से इंक्रीज हो रहा है इसलिए आपका ओवरऑल प्रोपराइटरी रेशो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट परचेज मशीनरी फॉर कैश सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड की मशीनरी खरीदी और उसके बदले कैश पेमेंट किया तो शेयर होल्डर फंड पर तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा हाँ लेकिन टोटल असेट्स में क्या होगा मशीनरी खरीदी तो असेट बढ़ गए सेवेंटी से लेकिन उसके बदले कैश गया तो उतने से असेट कम भी हो गया तो इवेंचुअली एक असेट बढ़ रहा है एक असेट कम हो रहा है तो वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो ना ही शेयर होल्डर फंड पे कोई इंपैक्ट पड़ा ना ही टोटल पे तो इज नो चेंज तो इसमें क्या हो जाएगा इंपैक्ट नो चेंज नो चेंज इन टोटल इंड शेयर होल्डर फंड ओवरऑल आपका प्रोपरेटरी रिशो पे भी कोई चेंज नहीं होगा समझ में आ गया चलो नेक्स्ट रिडीम्ड फाइव परसेंट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वन लैक ध्यान से अब क्या हो रहा है एक लाख रुपए कि आप क्या कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो ठीक है तो यहां पर क्लियरली प्रेफरेंस शेयर्स शेयर होल्डर फंड का पार्ट होते हैं आ रहा है समझ में इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको हम अस्सी क्योंकि वरना ये हो नहीं पाएगा सॉल्व हमारा एट इसको हम लिख लेते हैं ये हो जाएगा आपका एट लाख और ये हो जाएगा आपका टेन लाख ठीक है तो भी पॉइंट एट इस टू वन का ही रेशियो आएगा तो एट लाख और टेन लाख ले, ले लेते हैं हम शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स हाँ तो अब क्या बात कर रहे थे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपके कितने हैं एक लाख समझ में आ रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है शेयर होल्डर फंड में से प्रेफरेंस शेयर आपके वापस कर रहे हो मतलब शेयर कैपिटल आपका कम हो रहा है प्रेफरेंस शेयर कम हो रहे हैं तो क्लियरली एक लाख रुपए यहां से जा रहे तो माइनस एक लाख और रिडीम कर रहे हो तो पैसा दे रहे हो उसके बदले समझ में आ रहा है रिपेमेंट कर रहे हो तो फिर असेट्स में से आपका कैश या बैंक बैलेंस भी कम होगा उतने ही अमाउंट से तो क्लियरली दोनों ही सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा सेवन लाख और ये कितना हो जाएगा नाइन लाख ठीक है तो सेवन लाख डिवाइडेड बाय नाइन लाख कितना हो जाएगा आपका पॉइंट सेवन सेवन तो इवेंचुअली आपका क्या हो रहा है पॉइंट एट से पॉइंट सेवन सेवन हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है तो थर्ड का भी क्या हो जाएगा डिक्रीज बोथ शेयर होल्डर फंड एंड टोटल असेट्स आर डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं इसीलिए क्या हो रहा है आपका ओवरऑल रेशियो भी कम हो रहा है समझ में आया तो यहां पर तुक्के नहीं लगाने हैं मन से फिगर्स अज्यूम करो उसके हिसाब से सॉल्व करो और खुद अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई करो ठीक है चलो देन लास्ट है इशूड इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी परचेज फॉर फोर लैक चलो ध्यान से मजेदार है यहां पर क्या हो रहा है हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं हमने किसी से मशीनरी खरीदी चार लाख की उसके बदले हमने उसको पैसा नहीं दिया उसके बदले हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए तो अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है चार लाख की मशीनरी खरीदी तो मशीनरी आ रही है हमारे असेट्स में बढ़ा बढ़त हो रही है इंक्रीज हो रहे हैं कितने से फोर लाख से तो आपके असेट्स हो गए फोर लाख से बढ़ गए टोटल असेट्स और उसके बदले आप क्या इशू कर रहे हो इक्विटी शेयर्स तो शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा है इक्विटी शेयर्स और इशू कर दिया आपने तो चार लाख से आपके इक्विटी शेयर्स भी बढ़ जाएंगे शेयर होल्डर फंड भी बढ़ जाएगा ठीक है तो शेयर होल्डर फंड अब टोटल कितना हो जाएगा एट लाख प्लस फोर लाख ट्वेल्व लाख और टोटल एसेट्स कितने हो जाएंगे दस लाख प्लस चार लाख फोरटीन लाख तो करो इसको सॉल्व ट्वेल्व लाख डिवाइडेड बाई फोरटीन लाख ये हो जाएगा आपका पॉइंट एट सिक्स इस टू वन तो क्लियरली क्या हो रहा है यहाँ पर आपका रेशो इंक्रीज़ हो रहा है ठीक है तो क्लियरली यहाँ पर आप क्या लिख दोगे इफेक्ट ऑन प्रोपर्टी रेशियो क्या हो जाएगा इंक्रीज एज शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल असेट्स आर इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट समझ में आ रहा है तो इस कॉन् कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ में आया जो रेशियो दिया है उसके अकॉर्डिंगली इमेजिनरी फिगर्स ले लो उसमें जो जो ट्रांजेक्शन दिए हैं उसका इफेक्ट डालते जाओ प्लस माइनस करके देखते जाओ और अपना रेशियो चेक करते जाओ कि भाई बढ़ रहा है कम हो रहा है या कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है समझ में आ गया क्लियर हो गया इतना चलिए तो आई होप आज हमने प्रोप्राइटी रेशियो से रिलेटेड जो भी इलस्ट्रेशन देखे हैं आपको अच्छे से समझ में आया है इसमें कोई भी डाउट हो दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अगले रेशो से रिलेटेड इलस्ट्रेशन तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन स्टे ट्यून्ड गुड बाय